बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद यूब, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हो। जैसा कि आप सबको पता है, बारिश और थकावट की वजह से रात को हमें इधर रुकना पड़ा, तो टाइम हो चुका है 7:30 बजे का। आज का सफ़र अपना करते हैं शुरू। आज के नाश्ते में हमारे पास पराठा, अंडा, चने, बस 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 यही नहीं, चाय भी बन रही है। नाश्ता करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाश्ता करने के बाद आ गया चाय, और अब चाय पीते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाश्ता करने के बाद अपनी अपनी हवा भाई को उठाते हैं और चलते हैं। भाई तो क्या क्या ले रहे हो? पानी। वो दूसरे हाथ में भी है कुछ यार? नहीं है, मुझे दिखाओ। मैंने रो देने, कुछ नहीं है, मैंने रो देने, ये लो गोप्रो है बस। दूसरा हाथ दिखाओ, ऐसे ही खड़े रहना। ऐसे कैसे खड़े रहना, मैं अभी लूं भी नहीं। ये क्या तरीके है? चले बता दे क्या लिया। मैंने उधर से देखा आपने कोई चीज ली है, बिस्किट नीम को पैसे दिए तुमको, बोतल ली आपने बिस्किट नीम को, जैसे कोई ना कोई चीज ली है। ना मैंने बिस्किट लिए, ना नीम को लिए। पक्की बात है? पक्की। चलो चेक करें जी माशाल्लाह इधर के नजारे। इस पहाड़ के करीब पहुँचने के लिए हमें रात भी गुजर गई और अभी दिन भी जा रही है, लेकिन हम ऊपर की तरफ नहीं पहुँचे। आज जी आज आज चंद बना दे नहीं चढ़िया जांदियां मरीदियां चढ़ाइया। ओ सामने चेक करो जी, वो उधर खड़े हुए हैं बाकी। वाह मरी वाह, नहीं मुकाबले तेरे। नहीं जी, ये तीनों भी आ गए हैं और मामू जी अभी वो सामने आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम भी आहिस्ता आहिस्ता, कभी पैदल कभी साइकिल पे ऐसे ही चलते जा रहे हैं। वो सामने नीचे से हम चले थे, एक ये ऊपर की तरफ रोड क्रॉस किया, चक्कर गोल, एक ये गोल चक्कर, यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी वो सामने एक और गोल चक्कर है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सामने उधर हमने जाना। कम से कम 20 से 25 मिनट हो गए मुझे यहाँ पे खड़े हुए अकेले। मैं आगे आ चुका हूँ, वो शायद सभी पीछे रुक गए हैं। मेरा ख्याल है वो पीछे कहीं रेस्ट करने के लिए रुक गए हैं, और मैं आ चुका हूँ आगे। वो चेक करें जी सामने खड़े हुए हैं, आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मजे का सफर जा रहा है, कुछ पैदल और कुछ साइकिल पे बैठ के। चढ़ाई इतनी ज्यादा है कि मजबूरन हमें साइकिल से उतरना पड़ता है। जोर लगा के है शव, जोर लगा के है शव, जोर लगा के चलो चलो चलो। चेक करें जी छोटा सा पानी का झरना और ठंडी ठंडी हवाएं। क्या कह रहे हैं भाई? मैंने कहा वो ऊपर होटल है यार, दिन में हमने नहीं रुकना चाहिए। नहीं रुकना तो फिर बताने का फायदा, होटल है ना, बताया। करें जी गाय और बछड़े छोटे छोटे हैं, हमारी तरफ तो बड़े बड़े होते हैं। दूर से ऐसे लगता है जैसे बकरियां बैठी हुई हैं, छोटे छोटे हैं ना इसलिए। आपको बकरी और भैंस में फर्क नहीं पता? नहीं नहीं, ये छोटे कद की है ना। गांव से आए हो जी? टाइम हो चुका 11 बजे का, तो अब हम पहुंचे हैं मरी, वो भी उसका अभी तक बोर्ड ही आया। आगे देखते हैं भाई, अजमत से पूछते हैं, भाई अजमत किस तरफ जाना है, किस तरफ जाना है? चाय। वेरी गुड यार, बहुत थैंक्स। चेक करें जी ये सामने क्रेन पत्थरों की कटाई वगैरह कर रही है। चेक करें जी हम कितनी ऊंचाई पे आगे खड़े हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जी आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथी भी आ रहे हैं। आ जाए आ जाए, वेलकम वेलकम, चलते जाओ चलते जाओ। लो जी आखिरकार मरी मार रोड पे हम पहुंच चुके हैं, तब देखते हैं होटल में रुकते हैं या एंजॉय वगैरह करते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे जो भी करेंगे। इरादा बना के पहले चलते हैं होटल पे, रूम बुक करवाते हैं, रेस्ट वगैरह करते हैं, शाम को फिर घूमने आएंगे। चढ़ाई चढ़ के गए से उससे ज्यादा नीचे उतरनी पड़ रही है रूम में जाने के लिए, होटल वगैरह जिस पे रुकना, तो वापसी फिर जब आएंगे तो ये फिर चढ़नी पड़ेगी। इस वक्त हम होटल के पास आके रुके हैं, भाई अजमत और ज़ुहैब रूम का पता करने गए हुए, इनके लिए हम उनका इधर ही रुक के वेट करते हैं। क्या सारा हट वर्क, मजा आ गया। पुष्पा रुका है कि नहीं आज? पुष्पा नहीं थकी आज। पुष्पा रुक गया थी? नहीं, वो रुकना पैंदा है। सही गलती हमारी, ना रुक दे, मैं भी चलाई। तुम्हारी कोई गलती नहीं? हाँ ठीक है, मैंने कहा मैं आगे ना नंग जाऊं जी। ये जा रहे हैं रूम देखने के लिए,
क्या हुआ रूम का? मिल गया, चलो साइकिल लेके। रूम हमें मिल गया, तो अब चलते हैं रूम में, रेस्ट वगैरह करते हैं, वीडियो एडिट वगैरह करते हैं और फिर रूम में जाएंगे। चलो यहाँ खड़ी करने के बाद चलते हैं ऊपर रूम में। पहले चलो आगे, चलो सैफ जा रहा जी, इसके पीछे पीछे हम भी जाते हैं। माशाल्लाह जी, चारों तरफ होटल ही होटल है। और ये रहा हमारा रूम, रूम काफी अच्छा है माशाल्लाह, प्यारा है, बेड सोफा सेट मुकम्मल चीज। अब अपने बैग वगैरह उतार के रखते हैं। मामू जी, कांपों का क्या हुआ? कांपे टांगे नहीं आज। हाँ जी, टांगे हट गई। हट गई। आधा घंटा रेस्ट करने के बाद अब चलते हैं खाना खाने के लिए। जिस होटल पे हम खाना खाने के लिए आए हैं वो होटल है बंद, किसी और होटल पे चलते हैं। खाना हमारा आ चुका है। आज के खाने में हमारे पास रायता, सलाद, रोटियां, चपली कबाब, कलेजी और मगज, दाल चना और सलाद। करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाह। खाना खाने के बाद हम फिर आ गए वापस रूम के पास। सबसे पहले खोलते हैं ताला। ताला खोलो। एंट्री। वीडियो एडिट करते और अपलोड करते करते टाइम हो चुका 9:45 का। तो अब हम चलते हैं खाना खाने के लिए। होटल पे हम पहुंच चुके हैं, तो पहले खाते हैं खाना। अगर घूमने का प्लान हुआ तो फिर घूमने भी जाएंगे इंशाल्लाह। खाना आने तक सभी अपने अपने कामों में मसरूफ है। भाई अजमत को छोड़ खाने का। मुझे छोड़ दो, भाई एक ऑर्डर कैंसिल कर दे, एक चप्पल कबाब भी लगवाया था, तीन लाए बस। वापिस हम आ गए होटल में। घूमने फिरने का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि घूमने फिरने हम सुबह जाएंगे। मैं और हमजा जा रहे हैं खांसी वाली टाफियां लेने और साथ दूसरी टाफियां लेने। दुकान पे मैं पहुंच चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। भैया ये ले 10 रुपए के होस्ट टाफियाँ दे दे और बाकी 30 रुपए की दूसरियाँ दे दे। टाफियाँ जी, ठीक है 10 रुपए की होस्ट और बाकी दूसरी 50 वाली ले ले लो कोई भी, यही ठीक है बस। टाफियाँ और लेज हमने ले ली हैं, तो अब चलते हैं वापस। मुझे तो सर्दी लग रही है, तुम्हें भी लग रही है या नहीं? वापिस हम आ गए। ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।